हेलो एवरीवन आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ये डिस्कस किया था जैसे कि प्लांट्स ये ब्रॉडली दो तो ग्रुप में डिवाइड होते हैं पहला है क्रिप्टोगैम और दूसरा है फेनेरोगैम क्रिप्टोगेम्स में जो भी प्लांट्स आते हैं वो फ्लावर्स और सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं और इसी वजह से रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और जो फेनेरोगैम्स के ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फॉर एग्जांपल फ्लावर्स और सीड ये जो फेनेरोगैम का ग्रुप है ये आगे जाके फिर से दो ग्रुप में सब डिवाइड किया गया है पहला है जिम्नोस्पम और दूसरा है एनजियोस्पम ये दोनों ही जो प्लांट्स है मतलब ये ये दोनों ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं वो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं बट जो एनजियो स्पर्म्स है उनमें सीड भी आएंगे और फ्लावर्स भी आएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हो ये जो एंजियोस्पर्म का ग्रुप है ये एंजियोस्पर्म आगे जाके फिर से दो ग्रुप में सब डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन्स तो कॉटेलिडोन्स के बेसिस पे एंजियोस्पर्म दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है पहला है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट और दूसरा है डायकोटिलिडोनस प्लांट इन दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस होते हैं इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे

मतलब जो प्लांट्स है अगर उनके पास सीड्स है और वो सीड्स अगर एक ही कॉटलीडोन से बने हैं तो उन प्लांट्स को हम मोनोकॉट प्लांट कहते हैं जैसे कि शुगर केन और मेज़ तो मेज़ का सीड आपने देखा होगा तो मेज़ का सीड ऐसे सर्कुलर होता है ये बीच में से ऐसे उनके दो पार्ट्स नहीं होते हैं तो ये एक ही कॉटेलिडोन से बना है तो ऐसे सीड को हम मोनोकॉट सीड कहेंगे सेकेंड डेफिनेशन है डायकॉट प्लांट की डाइकॉट्स आर प्लांट्स दैट हैव सीड विथ टू कॉटलीडोन आर टर्म एज डाई प्लांट तो जो डाईकोटेलीडो प्लांट्स है उनके पास जो सीड्स होते हैं वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दो डाईकोटेलिडॉन्स में डिवाइड होते हैं तो ऐसे सीड को हम डाईकॉट सीड कहेंगे फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर और शुगर के नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस है फ्लावर के पॉइंट का तो जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं अब ट्राइमेरस फ्लावर्स मतलब ऐसे फ्लावर जिनके पास ऐसे तीन पंखुड़ियाँ होती है तो वो ट्राइमेरस फ्लावर कहलाते हैं और जो डाईकोटिलिडॉन प्लांट है उनके पास जो फ्लावर्स है वो पेंटामेरस है दैट मीन्स पाँच पंखुड़ियाँ वहाँ पर दिखाई देगी तो ये इनका एक डिफ्रेंस हुआ नेक्स्ट डिफरेंस है सीड का तो मोनोकॉट प्लांट्स के पास जो सीड होते हैं उनके पास सिंगल कॉटिलिडोन होते हैं जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है और जो डाईकोट प्लांट्स होते हैं उनके पास टू कॉटिलिडोन के सीड होते हैं मतलब वो सीड्स ऐसे दो पार्ट्स में आपको डिवाइड देख डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे तो वो डाई प्लांट है नेक्स्ट है पोलन ग्रेन का पॉइंट तो पोलन ग्रेव हैव अ सिंगल जंप पोअर तो मोनोकोटेलीडोनस प्लांट के पास जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सिंगल जंप पोअर होते हैं उनके ऊपर और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो उनके पास तीन जंप पोअर्स होते हैं अब जर्म पोअर मतलब ये जो पोलन ग्रेन है तो ये पोलन ग्रेन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोअर्स होते हैं बट जो डायकॉट प्लांट होते हैं उनके पास थ्री जंप ओवर होते हैं और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके पास सिंगल जम्पर होते हैं सिर्फ एक ही जम्पर वहां पे दिखाई देगा नेक्स्ट पॉइंट है सीड जर्मिनेशन का तो जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन दिखाते हैं अब हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन मतलब क्या होता है कॉटिलिडॉन स्टे बिलो द ग्राउंड मतलब जो सीड हमने सॉइल के अंदर डाला है फॉर जर्मिनेशन तो जब प्लांट वहां से प्रोड्यूस होगा तब प्लांट ऊपर के डायरेक्शन में आएगा और जो सीड रहेगा वो सीड सॉइल सी, के अंदर ही रहेगा और ऐसे जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन कहते हैं सो मोनोकॉट सीड ये हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन दिखाता है और जो डाइकॉट सीड्स होते हैं वो हाइपोजियल और कभी कभी इपीजियल जर्मिनेशन भी दिखाता है मतलब कुछ डायकॉट्स ये हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाते हैं तो कुछ डायकोट सीड ये इपीजीएल जर्मिनेशन दिखाते हैं अब ईपीजीएल जर्मिनेशन मतलब क्या है तो कॉटलीडोन्स इमर्ज ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल मतलब जब भी हम ये सीड सॉइल के अंदर डालेंगे तो जब जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तब उस टाइम जब प्लांट प्रोड्यूस होगा तो वो प्लांट ऐसे सीड को सॉइल के ऊपर लेके आ जाएगा तो ऐसे को हम ईपीजीएल जर्मिनेशन कहेंगे हाइपोजियल और ईपीजीएल जर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है ये अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है तो आप ये भी वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हो सो so, मोनोकॉट और डायकॉट में सीड जर्मिनेशन का डिफरेंस क्या हुआ जो भी मोनोकॉट सीड है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखाएंगे और जो डाइकॉट सीड है वो हाइपोजियल एज वेल एज इपीजियल जर्मिनेशन दिखाएंगे नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है लीव्स का सो द लीव्स आर ससाइल दैट मीन्स विदाउट स्टॉक तो जो मोनोकॉट प्लांट के जो सीड्स होते जो लीव्स होते हैं उनके पास ऐसे स्टॉक जो लीव स्टॉक जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे अपसेंट होता है जनरली ऐसे लीव स्टॉक रहेगा इसे कहते हैं हम लीव स्टॉक तो इनके पास लीव स्टॉक नहीं रहता है और जो डायकॉट डाइकॉड प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के पास ऐसे लीव स्टॉक दिखाई देता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेनेशन का सो मोनोकॉट प्लांट्स के पास पैरेलल वेनेशन दिखाई देते हैं जो लीफ होते हैं उनके पास ऐसे पैरेलल वेनेशन दिखाई देंगे और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके जो लीफ होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाएंगे मतलब ये ऐसा यहाँ पे नेटवर्क दिखाई देगा ऐसे जो वेन्स है और जो सब वेंस है वहां पे नेटवर्क फॉर्मेशन हो जाएगा सो डायकॉर्ड्स में रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है रूट का सो so, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं दैट मीन्स ऐसे फाइब्रस रूट होते हैं ये तो एक ही पॉइंट से वो रूट निकलेंगे और ऐसे फाइबर जैसे वो रूट दिखेंगे तो ऐसे रूट को फाइब्रस या फिर एडवेंटिशियस रूट कहेंगे सो मोनोकॉट प्लांट के पास एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है और जो डाइकॉट डायकॉड प्लांट्स होते हैं उनके पास टैप रूट सिस्टम होती है अब टैप रूट मतलब एक ही ऐसे बड़ा सा रूट और उनसे प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे रूट ग्रो हो जाएंगे सो so, जो डाइकॉड प्लांट्स है उनके पास टेप रूट सिस्टम है और जो मोनोकॉड प्लांट्स है उनके पास रूट सिस्टीम है। नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है स्टेम का सो so, स्टेम यूजली हॉलो, सो मोनोकॉर्ड प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो जनरली हॉलो होते हैं और जो डाइकॉर्ड प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के होते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम तो जो मोनोकॉर्ड प्लांट्स होते हैं जैसे कि मेज़ प्लांट याद कीजिए तो मेज वाला मेज़ प्लांट जो होता है वो ऐसे कभी नहीं बढ़ेगा ये ऐसे सीधा बढ़ता है ऐसे सीधा बढ़ता है तो ये ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता ऐसे यहाँ से ऐसे बाजू में वो कभी नहीं ग्रो करेगा वो सिर्फ सीधा ग्रो करेगा सो so इस वजह से नो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है बट जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है मतलब ये जो प्लांट्स है ये ऐसे भी ग्रो होंगे ऊपर तो बढ़ेंगे ही बट साइड में भी वो ऐसे बढ़ जाएंगे तो उन्हें सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं सो डाइकॉट प्लांट यह सेकेंडरी ग्रोथ

ग्रास व्हीट ये सारे मोनोकॉट के एग्जाम्पल है और जो डाईकॉटलिडोनस प्लांट है वो है टोमेटोज बीन्स एप्पल पोटैटोज एक्सेट्रा तो ये सारे होते हैं डिफरेंसेस के पॉइंट लास्टली मैंने यहाँ पे एक ही चार्ट में सारे डिफरेंसेस दिखाए हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो सीड का मोनोकॉट के सीड कैसे थे वो वन कॉर्टेलीडोन के थे और डाइकॉट के टू कॉटेलिडॉन जो फ्लावर्स हैं मोनोकॉट के उनके पास तीन पंखुड़िया दिखेंगी डाइकॉट के जो फ्लावर है एक उनके पास चार या पांच पंखुड़ियाँ दिखेंगी मोनोकॉट के जो रूट्स है वो फाइब्रस रूट सिस्टम दिखाते हैं डाइकॉट के टैप रूट सिस्टम जो वस्कुलर बंडल है जो स्टेम है तो स्टेम मोनोकॉट का सॉलिड रहे होलो रहेगा और डायकॉट का हॉलो रहेगा और जो लीफ का स्ट्रक्चर है तो जो वेनेशन दिखाते हैं मोनोकॉट के लीफ वो पैरल वेने वेनेशन दिखाएंगे और डायकॉट के रेटिकुलेट दैट नेट लाइक वेनेशन दिखाएंगे तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट और डायकॉट तो अगर आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू